हेलो जी, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में फिर से हाजिर हूँ एक और नए प्रोडक्ट के साथ। इस वीडियो में लेकर आया हूँ एक आई ड्रॉप, जो मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप पर जब हम ज़्यादा लंबे समय तक वर्क करते हैं या फिर हम तेज़ धूप में रहते हैं या तेज़ हवा में रहते हैं तो हमारी आँखों में ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो जाती है। यह आई ड्रॉप ड्राइनेस से होने वाली परेशानियों से हमारी आंखों को बचाती है। आज की वीडियो में इस आई ड्रॉप के बारे में पूरी और सही जानकारी देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे हमारी आने वाली सारी नई वीडियो सीधे आप तक पहुँच सकें। चलिए अब जानते हैं इस आई ड्रॉप के बारे में। ये ऑप्टीसॉफ्ट आई ड्रॉप लीफोर्ड हेल्थ केयर का ब्रांड है। ये 10 ml की आई ड्रॉप है जिसकी MRP है ₹120। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी। इस आई ड्रॉप में कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज होता है। ये आई ड्रॉप हमारी आँखों को ड्राइनेस के कारण होने वाली खुजली में, जलन में, रेडनेस में और चिड़चिड़ाहट में राहत देती है। ये आई ड्रॉप हमारी आँखों को लुब्रिकेटेड रखती है और आँखों की नमी को बनाए रखने में मदद करती है और सूखेपन, हवा, धूप, मिट्टी आदि से बचाती है। ये आई ड्रॉप एक एक बूंद दिन में 4 बार 2 हफ्तों तक या फिर आप डॉक्टर के बताए अनुसार भी उपयोग कर सकते हैं। वैसे तो ये आई ड्रॉप सेफ है, लेकिन कभी कभी इसके माइनर से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे आँखों में जलन, पलकों पर सूजन, आँखों में दर्द और धुंधली दृष्टि शामिल हैं। ये टेम्प्रेरी होते हैं और समय के साथ साथ चले जाते हैं, लेकिन अगर ये लगातार बने रहें या ज़्यादा बिगड़ जाते हैं तो डॉक्टर से संपर्क करें। इस आई ड्रॉप के साथ में कुछ सावधानियों का ध्यान भी रखें, जैसे इस आई ड्रॉप को उपयोग करने से पहले अपने हाथों को अच्छे से साफ कर लें और ड्रॉप के नोज़ल को हाथ से ना छुएं। ड्रॉप को पीछे से पकड़कर ही आंखों में डालें। आई ड्रॉप एक बूंद से ज़्यादा ना डालें, क्योंकि आंखों में एक बूंद से ज़्यादा दवाई डालने से दवाई बाहर निकल जाती है। इसलिए आई ड्रॉप को एक बूंद या फिर डॉक्टर के बताए अनुसार डालें। इस ड्रॉप की आपको सील ओपन करने के बाद 1 महीने तक ही उपयोग करना है। इसको ध्यान रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जब भी आई ड्रॉप की सील ओपन करें उस दिन की तारीख को आई ड्रॉप के ऊपर लिख लें और 1 महीने के बाद आई ड्रॉप को फेंक दें, घर में ना रखें। ये ड्रॉप पर लिखा भी है कि आप इसको 1 महीने तक ही यूज़ करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें जिन लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है और कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी। आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी एक और नए प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।